डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जो एग्जिट पोल है उसने बहुत कंफ्यूजन फैला दिया है और तमाम चर्चा वर्चा हो रही है। हैदराबाद के आम साक्षी ग्रुप बड़ा ग्रुप है, इंजीनियर्स का ग्रुप है, और वो 3 लाख से ज्यादा, 3,16,000 उनके सैंपल से उन्होंने भी जो दावा किया वो हम लोगों के लगभग उससे मैच खाता है, और वो संकेत कर रहा है कि अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या अनुमान है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से जानते समझते हैं, यहाँ रहने वाले यहाँ के, क्या लग रहा है कल बुलडोजर या साइकिल, क्या संकेत है? जी संजय जी, देखिए जो कुछ चलना है वह कल से शुरू हो चुका है, बहुत कुछ चल रहा है। और इस एक बात में तो मुझे भी कुछ हद तक सच्चाई लगती है कि मीडिया का काम इस समय सत्ता के पक्ष में माहौल बनाना, विमर्शों की दिशा तय करना और एक एक ऐसी जमीन तैयार कर देना है जिसके आधार पर कैसे भी किस्म का अन्याय भेदभाव किया जाए तो वो जायज लगे, क्योंकि जो देश की जनता का मिजाज है वो मीडिया बताती है, तो मिजाज जनता का वो बता ही दिया उन्होंने। फिर कल परिणाम अगर उसके अनुकूल आ गए तो सब कुछ ठीक होगा, फिर एक ही तर्क कहा जाएगा कि भाई आप जीतते हैं तो ईवीएम की बात नहीं करते, हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं। अच्छा एक बात है, ये 2014 के पहले तक बीजेपी भी जब हारती थी तो ईवीएम की बात करती थी, 2014 के बाद से बीजेपी ने क्यों ईवीएम की बात करना छोड़ दिया, ये एक सवाल है मेरा। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रक भर के ईवीएम जा रही है और अब तो यह बात प्रामाणिक रूप से कही जा रही है कि चुनाव आयोग की जो वैधानिक चेतावनियां हैं, दिशा निर्देश हैं, उसकी अवहेलना करके यह मूव किया जा रहा था, यह बात साबित हुई तो कुछ अधिकारियों को उसका दोषी करार दे करके सजा दी जा रही है या देने की बात कही जा रही है। अगर यह सब कुछ नियमावलियों के विरोध में है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? बाकी सभी विपक्षी दल मान लेते हैं कि वो हार रहे हैं, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप का बात कहा जा रहा है मीडिया में कि भाई अभी तो आप हारे भी नहीं थे और अभी से आप ईवीएम का दोष देने लगे। मैं शिकायत तो इन राजनीतिक दलों से भी करता हूं कि अगर भाई किसी भी किस्म की लोकतांत्रिक संरचनाओं से छेड़छाड़ की जा रही है तो आप जब अपने ऊपर छेड़छाड़ होगी तब बोलेंगे, तो आपकी बात गंभीरता से नहीं ली जाएगी। कोई और भी जहां कहीं भी हो रहा हो आपको उसके साथ भी खड़ा होना था, आपको जहां भी ईवीएम के साथ कोई दिक्कत थी, भरोसेमंद संस्थान टूट रहे थे तो वहां भी आपको बोलना था। जब मैं अगर कोई परीक्षा का फॉर्म 10 रुपए का था, 100 रुपया कर दिया गया, मैं उस फॉर्म को भरने जा रहा हूं तो कई बार लोग कहेंगे कि अरे आप नहीं भर पा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कहीं और इस तरह का अन्याय हो और दूसरे के लिए मैं जब खड़ा हो जाऊं तो मेरी बात में वजन होता है। तो ये शिकायत मेरी रहेगी इन राजनीतिक दलों से कि आप लोग हमेशा ये बात अपने ऊपर जब आती तभी करते हैं तो एक अविश्वास तो पैदा होगा, इसे लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन सवाल मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष और अधिकारी, ये सारे लोग एक ही भाषा क्यों बोलते हैं? जैसे मुझे एक चिंता होती है कि जब भी ईवीएम, अब ऐसा तो है नहीं कि यह मामला अभी जो मशीनों के शिफ्टिंग का है यही पहली बार आया, भाई इसी चुनाव में यह भी तो आया कि वोट किसी को दिया जा रहा था और जा रहा था बीजेपी को, यह भी तो कई जगह आया, मशीनें खराब हो रही थी। हर बार जब ईवीएम गलत वोट देती है तो बीजेपी को ही क्यों जाता है? वो किसी प्यार निर्दलीय को करती भी है, प्यार देती है ना, वो करती तो है ईवीएम कमल के फूल को। बिल्कुल यही जो प्यार है ना, यह किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म, किसी भी लोकतंत्र से बहुत बड़ी चीज है। और ये ऐसा प्यार है जो उत्तर प्रदेश की जनता अटूट प्रेम कर रही थी बीजेपी से, लेकिन 7 चरण के चुनाव के दरमियान नहीं दिखा। खुद जब प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनको नहीं दिखा रैलियों में। अच्छा अभिषेक, संजय जी, यह बात मैं उस दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, मेरी चिंता है। देखिए हम बैठ करके दूर से देख रहे हैं, कई बार परिणाम जो आएगा उसे कबूल करेंगे, उसे हम समझेंगे कि हाँ ये बात है। ये बीजेपी के लोगों को जो गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के रैलियां फ्लॉप हो रही थी, उनका तो आप ही का चैनल एक क्लिप दिखाया था कि अरे भाई चलो ये रोड शो तो बेकार गया, बेकार, चलो अब दूसरी जगह चलो। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? जनता तो बहुत अटूट प्यार कर रही थी। आप
आपके बयानों में, आपके लफ्जों में वो गर्मी क्यों आ रही थी? जब आप चुनाव अगर जीत रहे थे, आपको पता था लाभार्थी समूह आपको वोट दे रहा है, सब कुछ है, सारे एनालिस्ट गलत क्यों हो रहे थे? अधिकांश लोग कह रहे थे, कुछ लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग कह रहे थे कि बीजेपी बैकफुट पर है और समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ ही नहीं, आम जितने भी यूट्यूब चैनल है वो दिखा रहे हैं कि भाई जनता बहुत नाराज है। अचानक से एग्जिट पोल के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये कुछ सवाल है जो बेहद संदेह पैदा करते हैं। अंतिम परिणाम देखिए बिहार में भी हुआ, दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए, जीते हुए प्रत्याशियों को एक घंटे बाद हरा भी दिया गया, लाइट चली गई एक घंटा, अभी भी लाइट बिजली चली जाएगी उत्तर प्रदेश में, काउंटिंग चलेगी रात में 10 बजे तक, ये कोई नई बात अखिलेश यादव ने नहीं बोली है, ये तो बिहार में उसका प्रयोग हो चुका है। तो अगर यह सब कुछ होता है तो यह वही बात तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी यह बात तय है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को येन केन प्रकारेण अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। जनता का मिजाज कुछ भी हो लेकिन वह सत्ता से इसे नहीं जाने देना चाहते। इसलिए देखिए हो सकता है, मुझे संदेह है विपक्ष पर, जनता पर, लेकिन मुझे अटूट भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा करके जो वो चाहते हैं वो करा लेंगे। और आखिरी बात, ये बात अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ। जब राज्य में आपकी सरकार होती है ना तो आपके नियंत्रण में भी बहुत कुछ होता है। बनारस का डीएम यह भी देखता है, ठीक है, यह एक विमर्श की बात है कि भाई अधिकारियों में भी लहर चल रही थी, सत्ता बदल रही है, पेंटिंग शुरू हो गई, नेम प्लेट बदलने लगी, तो ये अचानक क्या हो गया? एग्जिट पोल के बाद फिर से अधिकारी सब वही करने लगे। बहुत बहुत अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो बनारस में, तो बनारस में मोदी जी डमरू बजा के गए थे, इसलिए कर रहे होंगे वो, और की समस्या थोड़ी थी, 2 दिन डमरू बजाया प्रधानमंत्री ने, तब भी अगर अफसर डमरू की आवाज ही सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए मेरी शुभकामना रहेगी उस अधिकारी के लिए, वो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं।